शुरुआत करते हैं और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सेक्युलरिज्म पर मोदी बनाम कांग्रेस की सियासी जंग अब सारी मर्यादाओं को पार कर रही है। कल कांग्रेस ने सेक्युलरिज्म के मुद्दे पर मोदी को निशाने पर लिया तो और आज बात मोदी की हैसियत तक पहुंच गई। दूसरी तरफ मोदी के समर्थक स्वामी रामदेव एक कदम आगे बढ़ गए हैं। रामदेव ने राहुल गांधी पर आपत्तिजनक बयान दे दिया है। बीजेपी अब ब्रांड मोदी को भुलाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने फैसला किया है कि हैदराबाद में अगले महीने होने वाली नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल होने वालों से ₹5 का टिकट वसूला जाएगा। इस फैसले के बाद कांग्रेस और जेडीयू ने इस कीमत को मोदी की हैसियत और बीजेपी में भ्रष्टाचार से जोड़ दिया। बाजारी मूल्य मार्केट हर व्यक्ति अपनी तय करता है, तो अब इन्होंने अगर मार्केट को संज्ञान में लेकर ₹5 तय किया है तो हम इनके संज्ञान पे छोड़ते हैं। वो चंदा वसूले सार्वजनिक रूप से लोग भी देखें कि इतना पैसा आया, ये तो सब प्रायोजित है। 40,000 का ये 1,00,000 लोगों को पहले से भेज करके और उनको जैसे फर्जी अकाउंट खुलवाते हैं वैसे ही लोगों से पैसा जमा करा ले। संवेदना की बात है और कांग्रेस पार्टी तो पैसे देकर के भीड़ ले आती है। अगर यहाँ पर अगर भीड़ से हम ₹5 लेकर के और वह भी उत्तराखंड के में जो एक दयनीय स्थिति है वहाँ पर। मोदी पर हो रहे हमलों का जवाब देने के लिए स्वामी रामदेव भी आगे आए लेकिन मर्यादा की सीमा भूल गए। पिछले दिन उत्तराखंड में बाढ़ आई, उस आपदा में 1,00,000 से ज्यादा देश के श्रद्धालु फंस गए, 10,000 के करीब लोगों की लाशें हिमालय क्षेत्र में बिछ गई। 16-17 तारीख को एक दुर्घटना होती है, पूरे देश में मातम छा जाता है और जिसको आज पढ़े लिखे युवक फेसबुक पर भोंदू और पप्पू कहते हैं वो कांग्रेस का युवराज अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ में अपने जन्मदिवस का जश्न मनाने के लिए विदेश में चला जाता है। देश के असली मुद्दों से ध्यान हटाने में आखिरकार कांग्रेस कामयाब रही और इसमें मोदी के विवादास्पद बयान भी कम जिम्मेदार नहीं है। चंडीगढ़ में विपिन परमार के साथ मिथिलेश कुमार, दिल्ली, इंडिया न्यूज। आखिर मोदी पर इतने हमले क्यों हो रहे हैं? रविशंकर प्रसाद से इस मुद्दे पर बात की हमारे सहयोगी चैनल न्यूज एक्स की पॉलिटिकल एडिटर प्रिया सहगल ने। आज हमारे साथ है विपक्ष के उपनेता राज्यसभा श्री रविशंकर प्रसाद जी। रविशंकर जी, आजकल मोदी का बहुत चल रहा है, कांग्रेस भी चाहे सुबह से शाम मोदी पर अटैक कर रही है, क्या मोदी ने पूरा ग्रामर बदल दिया इलेक्शन का? पहले एक बात समझिए, मोदी जी का क्यों चल रहा है। पिछले 10-9 साल में मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी ने देश की जो हालत कर दी है, महंगाई, भ्रष्टाचार, सुशासन का अभाव, शासन का अभाव, नेतृत्व क्षमता का अभाव, आप देख रही हैं कि भारत के विकास की दर 5% भी नीचे जा रही है, औद्योगिक उत्पादन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब गिर रहा है, हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में निवेश नहीं कर रहे हैं। ऐसे में देश और युवा लोग विशेष रूप से मोदी जी को एक आशा भरी निगाहों से देखते हैं कि जो उन्होंने गुजरात में काम किया है विकास में और बाकी चीजों में, तो एक आशा बंधी है। लेकिन ये आशा थोड़ी निराशा भी रहती, जैसे कि वो कमेंट्स यूज करते हैं, जैसे कि उन्होंने अभी हाल में पपी का एनालॉजी लिया, फिर कहा बुरखा ऑफ सेक्युलरिज्म, इस तरह का थोड़ा पोलराइजिंग कमेंट्स नहीं है? पहली बात है, मुसलमान का वोट लेने के लिए क्या जदयू, क्या कांग्रेस, क्या सीपीआई, क्या सीपीएम, क्या आरजेडी, क्या समाजवादी पार्टी उठापटक कर रही है? मैं आपसे एक सवाल पूछूं, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों के सारे केसेस को विड्रॉ कर रही है, आपको मालूम है, संकट मोचन भी, और कई जिला न्यायालय पर हमला हुआ था, इस पर आप कभी चर्चा करती हैं, कभी कांग्रेस बोलती है? ये हैं बड़े सवाल। लेकिन जो आपने बात की पप्पी वाली, कुत्ते के बच्चे वाली, खैर मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, उन्होंने क्या कहा था, हर जीव हमारे संस्कृति में आदर के लायक होता है और किसी को भी अगर कोई चोट लगती है तो मुझे दुख होता है, मैं मुख्यमंत्री रहूं या न रहूं। ये तो इतना ही बोल देते, लेकिन उन्होंने ये पपी वर्ड यूज किया, कुत्ते का बच्चा, वो थोड़ा डेरोगेटरी। क्षमा करिए, कुछ लोग कहते हैं कई कीड़ा भी अगर मर जाए, जैन लोग बोलते हैं, ये तो आपके ऊपर है कि आप किस विषय का बात का बतंगड़ बनाना चाहते हैं। मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी अगर किसी को पीड़ा होती है तो मुझे दुख होता है, मैं किसी पद पर रहूं या न रहूं। ये आपने बुरके की बात कही, कल वो नकाब कहते कि नकाब में ओढ़ लेते हैं तो उस पर परेशानी होती, कल वो कहते हैं चादर ओढ़ लेते हैं तो उस पर कुछ लोग चादर पर भी आपत्ति करते। कुछ लोगों को मोदी नाम से घृणा है,
कुछ लोगों को नरेंद्र मोदी का नाम सुनते ही परेशानी हो जाती है, और कांग्रेस के लोग तीन तीन बार पिटे हैं, बुरी तरह से पिटे हैं। कल क्या कहा दिग्विजय सिंह ने, उनको फेकू कहा, क्या कहा मनीष तिवारी ने, नेस्तान्भूत की भाषा कही। मैं उन भाषाओं पर नहीं जा रहा हूं। और एकाएक कांग्रेस पार्टी के लोग, क्या कपिल सिब्बल, क्या मनीष तिवारी, क्या जयंती नटराजन, सब लोग लेख लिख रहे हैं, टीवी पर आ रहे हैं। जरूर लिखिए, जनता आपके कुकर्मों का आपसे जवाब चाहती है और नरेंद्र मोदी के प्रति आशा भरी निगाहों से देखती है। और जितना आप इस तरह से बेबुनियाद आरोप लगाएंगे, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता उतनी ही बढ़ती जाएगी। शुक्रिया इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। ये हैं प्रिया सहगल, वीडियो जर्नलिस्ट सेतु।